एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। ये कोरल ट्री का एक पेड़ नीचे पड़ा है, शायद मॉनसून में गिर गया होगा और आज मेरी नज़र पड़ी है उस पर। तो इसके कर्व इतने सुंदर है कि मुझे बिना सीजन के भी हार्वेस्टिंग करने को मजबूर कर रहे हैं। तो आज मैं ये पार्ट और यहाँ एक नीचे से अलग से एक पार्ट है, बहुत ही अच्छी मूवमेंट वाला, तो मैं उसको हार्वेस्टिंग करूँगा। ये कटिंग से इजीली हो जाता है, तो थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये इजीली प्रोपगेट हो जाएगा। वेलकम बैक दोस्तों। मैंने कुछ कटिंग लिए थे कल, क्योंकि वो मॉनसून से गिरा हुआ कुछ प्लांट था कोरल ट्री, अगर अगले सीजन तक वो वहाँ टीका नहीं रहा, किसी ने उसको काट दिया तो मुश्किल हो सकती थी, मेरे अच्छे कटिंग जा सकते थे। तो मैंने कुछ ये 3-4 कटिंग किए। तो जब भी आप किसी प्लांट के कटिंग ले और इजी अवेलेबल है तो ऐसा कटिंग सिलेक्ट कीजिए जो वेल टेपर्ड हो। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा टेपर है। अगर ये अच्छा हुआ तो इसका बेस कितना बड़ा है देखिए। मैंने फ्लैट स्लांट कटिंग किया है जिससे ये अच्छे से चारों ओर से रूट लेगा और अच्छे से डेवलप होगा। ये भी देखिए उसका मूवमेंट कितना अच्छा है, ऐसा हम चाह के भी नहीं दे सकते। ये मौसम की मार से टूटते हुए ये ओरिजिनल मूवमेंट है। अगर ये हो गया तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट बनेगा। और ये देखिए, मैंने शॉर्टकट लगा लिया है, ये इसका बेज ऐसा रहेगा। और ये सब एक मैच्योर ट्री के लक्षण होने चाहिए, इसमें करेक्टर में होना चाहिए ये प्लांट का। अगर अवेलेबल हो तो आप अच्छे से अच्छा कटिंग लें। ये देखिए, ये पूरा होलो ट्रंक है, उसका बेस भी है, भले ही रिवर्स टेपर लगे, मगर अगर ये हो गया तो बहुत ही अच्छा एक प्लांट बन सकता है। तो आपको कटिंग इस तरह से लेने होते हैं कि वो मैच्योर लगे। वैसे आप बनियन ट्री के फाइकस बैंकलांसिस उसके कटिंग की इस तरह ले सकते हो, फाइकस वीरेनस का कटिंग भी ऐसा मिल सकता है आप लोगों को। तो बड़े से प्लांट का विजिट कीजिए और फ़ायदा उठाइए। ये सीजन नहीं है, फिर भी ये इजी प्रोपोगेशन हो जाता है, इसका छोटा सा कटिंग भी लग जाता है इजीली, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होगी। तो मैं इन सब का कटिंग डायरेक्टली ग्राउंड में ही लगा दूंगा। तो चलिए लगाते हैं। तो मैं यहाँ मेरे गार्डन में ही लगा दूंगा कटिंग। यहाँ मैंने पहले लगाया है तो प्लास्टिक भी बिछा है पहले से, तो मैं उसी प्लास्टिक के अंदर, ये देखिए, तो वैसे गड्ढा बना लीजिए और उसमें आपका कटिंग इजीली लग जाएगा। ट्रंक साइज के हिसाब से आप गड्ढा बनाए। कटिंग रखिए, शार्प कट लगाना ज़रूरी है और डिजायर पोजिशन में आ जाने के बाद उसमें मिट्टी लगा देंगे हम। ज़्यादा गहराई में भी नहीं लगा रहा मैं। बाद में मैं प्रेस कर लूँगा। तो ये लग चुका है, अगर खड़ा नहीं रह रहा है तो कोई ईंट पत्थर से आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं।
तो मिलेंगे अपडेट के साथ। अभी मैं दूसरे भी कटिंग लगा देता हूँ। तो अभी तो मैंने कटिंग लगा दी है, देखते हैं कब तक ये होते हैं, हो जाने चाहिए। तो जितना कटिंग है उसका गड्ढा बनाइए, कटिंग में शार्प कट लगाइए, और ये गया ज़मीन के अंदर। उसकी पोजीशन तो बाद में भी होगी, पहले उसका प्रोपोगेशन होना ज़रूरी है। अगर पोट में है तो अच्छे से पोजीशन में हम बिठा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कैस्केड स्टाइल वाला है। अगर अच्छे से हो गया तो ये जैकपॉट है मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छे कटिंग है। थोड़ा प्रेस करेंगे सॉइल, और साथ में देखेंगे ये बोगनवेलिया का कटिंग, जो कि मैंने उसी की तरह मूवमेंट वाला था, मैंने बताया था वीडियो भी पहले, और फ्लावरिंग भी होने वाली है। बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये साथ में है दूसरा कटिंग, जिसमें भी अभी कुछ लास्ट वीक जब आया था दिवाली पे, तब मैंने उसमें कुछ ट्रिमिंग किया था। बाद में ये कल देव दिवाली थी, और यहाँ आप फ्लावरिंग देख सकते हो, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो मैं अगले मॉनसून में शायद ये अच्छे से होगा, तब मैं उसको निकालूंगा। स्प्रिंग में रिस्क नहीं ले सकते बोगनवेलिया में, अगर ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया तो मर भी सकता है। तो मैं उसको अगले स्प्रिंग में के बाद, यानी कि मॉनसून में, मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।